ओके तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोन पे की मदद से हम किसी भी बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने जब से भी यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलवाया है तब से लेकर अभी तक आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, किस डेट को किए हैं, किस साल को किए हैं, ये याद रखने के लिए स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट आज के लिए मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस वीडियो में आप निकाल सकते हैं फोन पे की मदद से। तो यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक देखने को ऑप्शन मिलेगा, मैं दिखा देना चाहूंगा, हिस्ट्री करके ऐसे यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। तो हिस्ट्री वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं हाईलाइट करके दिखा देना चाहूंगा, डाउनलोड स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको 30 दिनों का चाहिए, 90 दिनों का चाहिए, 180 दिनों का चाहिए, या फिर 1 साल का चाहिए, या फिर दोस्तों आप किसी एक दिन का भी निकाल सकते हैं, 1 महीने का भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टम डेट पर जाना है और यहाँ पे चूज कर लेना है कि किस महीने को आपको चाहिए। तो यहाँ पे महीना सिलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए आपको अप्रैल से यहाँ पे मई तक निकालना है तो इसमें अप्रैल 2024 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्च, यहाँ के बाद मार्च के बाद यहाँ पे सॉरी अप्रैल के बाद यहाँ पे मई को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई कर लेना है, देन यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे वेट कर लेना है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया, और व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करके मैं एक बार दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे सारा स्टेटमेंट है वो निकल के आ चुका है, किसने किस तारीख को यहाँ पे पेमेंट किया है मैं दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं इतना लंबा स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आप किसी अदर ईयर का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2023 से 2024 तक यहाँ पे निकाल सकते हैं, 2022 से 2023 ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके ईमेल पे जाएगा, मैं दिखा देना चाहूँगा। जैसे 2023 और 2024 का निकालना चाहते हैं तो ये बोल रहा है कि आपके ईमेल पर जाएगा। तो जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके ईमेल पर भेज दिया गया रहेगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा ईमेल पे आ गया है, ये तुरंत आ जाता है, जियो की तरह नहीं है कि कुछ टाइम लेता है, ये तुरंत आ जाता है। मैं दिखा देना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे फोन पे स्टेटमेंट, इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। एक बार मैं ओपन करके इसको आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड वहीं पर आपको पता होगा, जैसा कि मैं दिखा देना चाहूँगा पासवर्ड क्या होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, जैसा कि मैं ओपन करके एक बार आपको दिखा देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा होगा, तो चलिए एक बार मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर डाल के इसको ओपन कर लिया है, और मोबाइल नंबर ही इसका पासवर्ड होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।